भारत वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। जैसा भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका की टीम को हरा करके ट्रॉफी अपने हाथों से उठाई है, जिस तरीके से यहां पर भारत वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है। ये मुकाबला जो है 6 जुलाई से शुरू होगा। लेकिन फिर भारतीय टीम के कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी हैं, कौन कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो जिम्बाब्वे के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, और ऐसे 15 विस्फोटक खूंखार बल्लेबाज कौन, गेंदबाज कौन है जो मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सभी के सभी नए युवा बल्लेबाज और गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे, जो IPL में ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए नजर दिखाई दिए गए। और यहां पर वो खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज हैं जो काफी खतरनाक और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जैसे खूंखार विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए नजर नहीं दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को बता दूं वो सभी गेंदबाज और बल्लेबाज अब इस समय अपने अपने घर चले गए हैं रेस्ट पर, साउथ अफ्रीका को हरा करके ट्रॉफी लेकर के। लेकिन अब भारत वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले पांचों के पांचों T20 जो है सीरीज, वो भारतीय टीम के नए युवा गेंदबाज और बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। सब कुछ आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं प्लेइंग 11 के बारे में, और 15 सदस्यों के स्क्वाड बताने वाले हैं कि कौन कौन से खूंखार विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज हैं और कप्तानी का जिम्मा किसे दिया गया है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना। जिम्बाब्वे के दौरे पर निकल चुकी है भारतीय टीम। 6 जुलाई से टूर्नामेंट का आगाज, पहला मुकाबला 6 जुलाई को होगा। अगर कप्तानी की हम बात करें तो शुभमन गिल के कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि शुभमन गिल यहां पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और पहले नंबर पर बैटिंग भी शुभमन गिल भी करेंगे। आप सभी को बता दें शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे सस्वी जायसवाल। काफ़ी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है सस्वी जायसवाल, वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है, वो आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने टेस्ट मुकाबले में शतकी पारी खेली थी, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग भी थी। वो यशस्वी जायसवाल जिसने T20 और ODI में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। यहां पर यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा तूफानी विस्फोटक सांख रोक देने वाला मुकाबला खेला जाएगा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आएंगे और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है और BCCI और ICC कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर ने ऋतुराज गायकवाड़ जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज को टीम इंडिया में लिया है, और ये तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करता हुआ जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान को धोता हुआ बेहतरीन तरीके से नजर आएगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान भी रह चुके हैं और इन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब जम करके कहर बरसाया है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे अभिषेक शर्मा। काफी तूफानी विस्फोटक तेज गेंदबाज जिन्होंने IPL 2024 में 17 गेंदों पर 112 रन ठोक दिए थे, जो ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित, विराट हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो 4 नंबर पर अभिषेक शर्मा यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। 5 नंबर पर रिंकू सिंह, जी हां, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। काफी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। रिंकू सिंह को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है क्योंकि भारतीय टीम को अगर लास्ट 6 गेंदों पर 6 छक्कों की जरूरत है जीत के लिए, 4 छक्कों की जरूरत है, तो रिंकू सिंह वो भी ठोक सकते हैं और टेंशन फ्री होकर के खेलते हैं। रिंकू सिंह काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाते हैं। यहाँ पर BCCI और ICC कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी ने रिंकू सिंह को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और ये तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आने वाले हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज और कप्तान रिंकू सिंह का नाम सुनते ही पहले से ही कांप उठते हैं। अब हम बात करेंगे विकेट कीपर के रूप में आखिरकार किस बल्लेबाज को लिया गया है। जी हाँ, विकेट कीपर यहाँ पर संजू सैमसन को टीम इंडिया में शामिल किया है, ईशान किशन को, तो BCCI समझ लीजिए पूरी तरीके से भूल चुकी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें BCCI संजू सैमसन को पूरी तरीके से भूल चुकी है। अब यहाँ पर T20 के जो है सीरीज में अब यहाँ पर जो है विकेट कीपर संजू सैमसन को लिया गया है, क्योंकि संजू सैमसन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं और अपने टीम को IPL में फर्स्ट सेमीफाइनल तक भी ले गए थे। तो यहाँ पर संजू सैमसन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आने वाले हैं। इन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेट कीपरिंग से ऐतिहासिक पारियाँ खेली थी और यहाँ पर ईशान किशन और KL राहुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 7 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे ध्रुव जुरेल। जी हाँ, आप सभी को बता दें विकेट कीपर ध्रुव जुरेल काफ़ी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 टेस्ट मुकाबलों में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की थी।
आप सभी को बता दें, ध्रुव जुरेल ने आक्रमक विस्फोटक बल्लेबाजी से शतक की पारियां खेली थी। और ध्रुव जुरेल का 2023 से लेकर के अब तक आईपीएल तक जो है रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ध्रुव जुरेल का काफी ज्यादा रनों का बेहतर रहा है। तो टीम इंडिया बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और ये तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आएंगे। ध्रुव जुरेल की आक्रमक और विस्फोटक बल्लेबाजी शायद आप भी देख कर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाजी खेलते हुए नजर आएंगे। ध्रुव जुरेल ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज है। नंबर 8 पर नीतीश रेड्डी जो काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी करते हैं। नीतीश रेड्डी का नाम सुनते ही जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश कोई भी टीम हो यहाँ पर कांप उठती है। नीतीश रेड्डी का बल्ला मैदान पर आक्रमक और विस्फोटक तरीके से चलता है। 9 नंबर पर रियान पराग, काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रियान पराग ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और सामने वाली टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रियान पराग का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। रियान पराग की आक्रमक और विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। रियान पराग को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और फर्स्ट T20 सीरीज में ये खेलते हुए नजर आएंगे और पांचों के पांचों T20 सीरीज में खेलते नजर आएगा अगर इनका प्रदर्शन ठीक रहा तो। आप सभी को बता दें, रियान पराग का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। अब 10वें नंबर पर है वाश क्रिंडन सुंदर, काफी खूंखार विस्फोटक गेंदबाज वाश क्रिंडन सुंदर ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में भी काफी ज्यादा माहिर है और इन्हें एक तरफा हार्दिक पांड्या की तरह ऑलराउंडर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी गौतम गंभीर ने यहाँ पर वाश क्रिंडन सुंदर को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे खूंखार विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई की। जी हाँ, एक ऐसा नाम बुमराह, सिराज, जडेजा, हर्षदीप सिंह, घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज। इस गेंदबाज के पीछे आप सभी को बता दें, रवि बिश्नोई काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हैं जो ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं। खास कोच राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर रवि बिश्नोई को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है, क्योंकि रवि बिश्नोई पर भारतीय टीम को काफी बड़ा भरोसा है। तो रवि बिश्नोई तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं खलील अहमद, काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज खलील अहमद टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर टीम इंडिया में खलील अहमद गेंदबाजी करते हुए मैदान पर नजर आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं आवेश खान, काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जिन्होंने बड़े से बड़े रिकॉर्ड बना करके तोड़ दिए। आवेश खान ने आईपीएल में एक ओवर में 3 विकेट चटका दिए थे और हैट्रिक ली थी। आवेश खान खूंखार विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। बीसीसीआई और आईसीसी कोच राहुल द्रविड़ महेंद्र सिंह धोनी ने आवेश खान को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और ये तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर गदर जरूर मचाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मुकेश कुमार। जी हां, मुकेश कुमार वो तूफानी विस्फोटक बॉलर है जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यहां पर कोई भी जिम्बाब्वे हो चाहे पाकिस्तान हो, सभी के सभी खिलाड़ी कांप उठते हैं। मुकेश कुमार काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल 2024 में बड़े से बड़े विकेट चटकाए हैं और ये विकेट चटकाने में काफी ज्यादा माहिर है। तो मुकेश कुमार को टीम इंडिया में सिलेक्ट किया है और ये तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करते हुए मैदान पर नजर आने वाले हैं। सबसे लास्ट में 15वें नंबर पर तुषार देशपांडे, काफी खूंखार विस्फोटक गेंदबाज, इन्हें भी टीम इंडिया में मौका मिला है। भारतीय टीम की जो 15 सदस्यों की स्क्वाड है वो काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक है और ये ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। सुमन गिल को कप्तानी का जिम्मा दिया गया, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, फिर अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, बास्केटर सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद और मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, 15 खिलाड़ी खेलते हुए मैदान पर नजर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।